हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक होंगे। तो आप सोच रहे होंगे आज हिमांशु कहाँ घूम रहा है। रुकिए रुकिए, बताते हैं। यह है आपके अलीगढ़ का ही रेलवे स्टेशन जहाँ इनॉग्रेट होने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी से चलकर दिल्ली तक का सफ़र पूरा करने जा रही है। चलिए तो अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इसके साथ ही देश में अवेल ट्रेनों की संख्या 34 पहुंच चुकी है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। एंड काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हुआ, जो कि अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आने वाली है। अलीगढ़ से काफ़ी मीडिया के लोग आए हुए थे, जो कि आप भीड़ में देख ही सकते हैं। और फाइनली हमारी वंदे भारत अलीगढ़ के स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। अलीगढ़ से हो आप लोग? ये अलीगढ़ से, हम अलीगढ़ से, हम अलीगढ़ से हैं। अलीगढ़ हरियाणा से। तो गाइस, हमें बताया गया था कि मीडिया के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अलग कोच है, तो उसी की तलाश में हम ट्रेन में पीछे की ओर चलते चले गए। रेलवे स्टेशन में रात के 10 बजे लोग ट्रेन का पूरा टीका लगाकर पूरा जिस तरह से स्वागत करके नारियल खोल कर स्वागत कर रहे थे, इससे जनता की भावना आपको दिखाई दे रही कि रात के 10 बजे लोग लोग हो जाते और लोग सड़कों पे थे, सब प्लेटफॉर्म पे थे। तो पीछे जो था वो एग्जीक्यूटिव क्लास था और हम धीरे धीरे आगे की साइड जा रहे हैं, जो कि एंडिंग है इसकी। धीरे धीरे जाके लास्ट में जाते जा रहे हैं। तो गाइस, हर कोच के स्टार्टिंग में और एंडिंग में डोर्स के पास ही एक ऐसी डिस्प्ले लगी हुई है जिस पर टाइम, स्पीड और जो नेक्स्ट स्टेशन कितने किलोमीटर में है वो सब आते रहता है। एंड जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो भी इसी पे चलती रहती हैं साथ में, तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगी डिस्प्ले, जो कि होनी ज़रूरी भी है। एंड गाइस, पूरी तरीके से ये ट्रेन फीचर से लोडेड थी, जैसे कि बटन दबाने से गेट ओपन एंड क्लोज़ हो रहे थे। एंड सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा जो हर सीट में एडेड था,
कि आप इसे ओपन करके बाहर जैसे ही खोलेंगे तो ये आपके डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, या फिर आपका एक छोटा सा वर्क स्पेस बन जाता है। एंड गाइस, पूरी ट्रेन में घूमते घूमते हम ट्रेन के लास्ट में आ गए थे, जहाँ पे हमें एक लोको पायलट मिले जो कि काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी हमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई ट्रेन के बारे में, जैसे कि उन्होंने बताया कि आगे की जो इंजन होता है और पीछे का जो इंजन होता है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कैबिन सेम होते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छे थे यार, इन्होंने काफ़ी अच्छे से ग्रीट करा हमें वहाँ पे, एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी ट्रेन के बारे में। एंड ये पता करते ही हमारा न्यू दिल्ली जंक्शन आ गया था, जहाँ हमें स्टॉपेज था इस वंदे भारत ट्रेन का। एंड यहाँ से हमें रिवर्स अलीगढ़ के लिए ट्रेन लेनी थी, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा यार वंदे भारत एक्सप्रेस में। एंड यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। एंड फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे, एंड सबसे पहला हमारा काम यही था कि हमें पता करना था कि रिटर्न के लिए कौन सी ट्रेन जाने वाली है, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, तो हम उसकी साइड ही चलते चले गए। एंड यहाँ हम दूसरी ट्रेन में आ गए थे, जो कि एक्सप्रेस थी और ये अलीगढ़ की तरफ निकल चुकी थी। एंड हमने थोड़े स्नैक्स ले लिए थे ताकि घर तक के लिए थोड़ा पेट हमारा खाली ना रहे। एक्चुअली उस ट्रेन में हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम कुछ खा पाते, बट हमने जो भी स्नैक्स हमें मिले थे हमने वो ट्राई किए, एंड ऑल आर गुड। तो यार रेटिंग के मामले में यार वंदे भारत मतलब सारी ट्रेनों को मात देती हुई है। गाइज, अगर ही आपको वंदे भारत एक्सप्रेस का मेरा ये सफ़र पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।